फाइव सेकेंड, टू सेकेंड, रेडी। हमारा सोच ही हमारे जीवन के गंतव्य की दिशा और लक्ष्य निश्चित करता है। स्वयं का उत्थान और पतन हमारे ही हाथों में है। सकारात्मक विचार दिव्य ऊर्जा के स्रोत हैं। जो व्यक्ति इन विचारों को अंगीकार करता है वह अपने चारों ओर के परिवेश को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। परिणाम स्वरूप उसके संपर्क में आने वाला हर जीव नई ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठता है। ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसमें सकारात्मकता का दर्शन करें कि यही आपके लिए श्रेष्ठ है। सदैव यही स्मरण रखें कि ईश्वर दुर्लभ कार्य करने के लिए विशेष व्यक्तियों का ही चयन करता है और आप उनमें से एक हैं। आपका ऐसा सोच आपको हर कृपा से सराबोर कर देगा। दूसरों की निंदा करके अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना जाने दें। इस तरह का चिंतन आपको सत्कर्मों से रोकता है। नकारात्मकता जब मन पर हावी हो जाती है तब हमें सामने वाले के गुण भी अवगुण लगने लगते हैं। इसलिए सदा अच्छा सोचें, अच्छा देखें और अच्छा ही बोलें। सदैव इन तीन बातों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति नकारात्मकता से कोसों दूर रहता है। यह आज के समय की सबसे बड़ी संपत्ति है जिसे सहेजना मानव जाति का धर्म है। अपने अंदर सकारात्मकता का विकास करने के लिए स्वयं की स्वयं से पहचान करानी होगी। हमारे संविधान ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अनुच्छेद 41 में इसकी जरूर व्यवस्था है, लेकिन इसको संविधान के मौलिक अधिकार में नहीं जोड़ा गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मांग को सरकार को मान लेना चाहिए और काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों से जोड़ना चाहिए। श्रीमान, इस संबंध में जो बात माननीय सदस्य जी ने अपने विधेयक में प्रस्तुत की है हो सकता है कि उससे सरकार सहमत ना हो, लेकिन उनका जो विधेयक है उसमें दिए प्रावधानों को लेकर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। हर आहट को सुनना होगा जो आपके अंतर्मन के भीतर से बाहर आने को छटपटा रही है। मन पर जो भारी बोझ लदा हुआ है उसे अपनी मृदु वाणी के संवाद से मुखरित कर हल्का करना होगा। अपने को कमतर ना आंकते हुए देश के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। स्वयं के नवीनीकरण के प्रयास भी करते रहने होंगे। यह आकलन भी जरूरी है कि आप अपनी सर्वशक्ति किस दिशा में निवेश करना चाहते हैं और आपको प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होगा।